साइमा, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। जी सर, मैं ये नहीं समझ पा रही कि मेरे पास जो 343 टॉफी हैं वो मैं चिंकू और पिंकू में पूरी पूरी तरह बांट सकती हूँ या नहीं। अगर मैं बांटूंगी तो उनके मेरे पास कुछ बचेगी या नहीं। बस इतनी सी बात, परेशान मत हो। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम किसी भी संख्या को, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उसे देखकर ही पता लगा सकती हो कि वो 2 से लेकर 10 तक किसी भी अंक से पूरी तरह भाग हो सकती है या नहीं। तो हमें जल्दी से सिखाइए ना सर। इसके लिए तुम्हें विभाजकता के नियम सीखने होंगे। मुझे भी सीखने हैं सर, प्लीज मुझे भी सिखाइए। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सबसे पहले हम 2 से विभाजकता की जांच सीखेंगे। जब संख्या का अंतिम अंक या डिजिट सम हो, अर्थात इवन हो, तो वह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। या हम सीधा सीधा कहें कि जिस संख्या के अंक सबसे पिछला अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। हमें सिर्फ ये देखना है कि उस संख्या का पिछला अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई है तो वह भाग हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 343। 343 में पिछला अंक 3 है, यह 2 से भाग नहीं होता, यानी कि इन 0 से लेकर 8 तक के अंकों में 0, 2, 4, 6, 8 में से यह नहीं है, तो यह संख्या 2 से भाग नहीं होगी। इसका मतलब 343 को मैं 2 चिंकू और पिंकू में नहीं बांट सकती। बिल्कुल। अब हम सीखेंगे 3 से विभाजकता की जांच। इसके लिए दी गई संख्या के सभी अंकों का जोड़ कर लें। अगर यह जोड़ 3 से भाग हो जाता है तो यह पूरी संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 54। इसमें 2 अंक हैं 5 और 4। 5 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो उत्तर आया 9। 9 3 से भाग हो जाता है। इस प्रकार हमें पता चला कि 54 भी 3 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। बहुत अच्छा सर, कितने आसान तरीके से सिखा रहे हैं आप। अब हम सीखेंगे 4 से विभाजकता की जांच। जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो जाएं, तो वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे 624, इसमें पिछले 2 अंक 24 हैं, यह 4 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं। सर, 24 तो 4 के पहाड़े में भी आता है। हाँ साइमा, यदि पिछले 2 अंक 4 के पहाड़े में हो तो तुम कह सकती हो कि यह पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। हाँ सर, मैं समझ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे हम 5 से विभाजकता की जांच। जब किसी संख्या का पिछला अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी। जैसे एक संख्या लेते हैं हम 85। इसका पिछला अंक 5 है, तो 85 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। बहुत मजा आ रहा है सर, आप सिखाते जाइए। अब सीखेंगे हम 6 से विभाजकता की जांच। जब कोई संख्या 2 और 3 से भाग हो जाएगी, तो वह 6 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। उदाहरण के लिए एक संख्या लेते हैं 42। इसके पीछे 2 है, तो यह 2 से भी भाग हो जाएगी। और जब हम 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आया, 6 भी 3 से भाग हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। तो क्या सर, पहले हमें संख्या को 2 और 3 से विभाजकता की जांच करनी होगी। हाँ, तभी हमें पता चलेगा कि यह 6 से भाग होती है या नहीं। और तुम 2 और 3 से विभाजकता की जांच तो सीख ही चुकी हो। अब हम सीखेंगे 7 से विभाजकता की जांच। जब हम किसी संख्या के पिछले अंक का दोगुना करके बाकी बचे अंकों में से घटा देते हैं, तो वह संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 483। इसका पिछला अंक है 3। 3 को अगर हम दोगुना करेंगे तो आया 6, और बाकी अंक बचे 48। 48 में से हम 6 घटाएंगे तो आया 42, और यह 42 7 से भाग हो जाता है और 7 के पहाड़े में भी आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 483 7 से भाग हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया।
अब हम सीखेंगे 8 से विभाजकता की जांच। जब संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से भाग हो जाएगी तो वह पूरी संख्या भी 8 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 34,152। इसके पिछले 3 अंक हैं 1, 5, 2, यानी संख्या बनी 152। जब हम 152 को 8 से भाग करते हैं तो यह पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 34,152 8 से भाग हो जाएगी। अब हम सीखेंगे 9 से विभाजकता की जांच। इसके लिए बच्चों तुम्हें संख्या के सभी अंकों को जोड़ना होगा। जब वह जोड़ 9 से विभाजित हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए अगर यह जोड़ बहुत ज़्यादा आता है तो दोबारा आप इन अंकों को जोड़ दें। बार बार आप यह क्रिया कर सकते हैं जब तक आपको ये न लगे कि आप इसे भाग कर सकते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए एक संख्या लेते हैं हम 2,880। जब हम इसके अंकों को जोड़ेंगे तो जोड़ आया 18। 18 को हम दोबारा जोड़ेंगे 1 और 8 यानी 9, तो उत्तर 9 आया। 9 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हमें अच्छी तरह समझ में आ गया सर, आप 10 के बारे में बताइए। अब हम सीखेंगे 10 से विभाजकता की जांच। जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह 10 से विभाजित हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 540। इसका अंतिम अक्षर 0 है तो यह 10 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। हमें सब नियम समझ में आ गए सर। चलो अच्छा, अब तुम घर जाओ। नमस्ते सर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।